तो स्वागत दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पांच ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं काइन मास्टर ऐप की, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और दोस्तों अगर आप भी अपने वीडियो को काइन मास्टर से ही एडिट करते हैं, तो दोस्तों ये पांच जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपकी वीडियो और भी ज्यादा अच्छी बनने लग जाएगी, प्रोफेशनल आपकी वीडियो लगने लग जाएगी। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, क्योंकि ये सब करने के आपको कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दो। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट है यहाँ पर लिख लिया है, अब आपको इसको भी कोई सा भी फॉन्ट है आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार का फॉन्ट है वो यहाँ पर दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या है, यहाँ पर आपको सिंपली से लेयर पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी मीडिया के अंदर से दोस्तों यहाँ पर आपको एक जैसे कि ये आपको बैकग्राउंड ले आना है, और इसको आपको यहाँ पर क्रॉप करके सिंपल से बस एक लाइन की तरह आपको यहाँ पर इसको रख लेना है। बस इतना सा पतला दोस्तों यहाँ पर आपको इसको रख लेना है। और रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पर रोटेट करके और यहाँ पर आपको रख देना है, और इसको यहाँ पर ब्रिंग टू फॉरवर्ड यहाँ पर आपको कर देना है। टू फॉरवर्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसका कलर है वो यहाँ पर आपको चेंज कर देना है। इसका कलर आपको कोई सा भी रख देना है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर इसका कलर है कुछ इस प्रकार से रख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये आपको की फ्रेम दिख रहा है इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको आना है और दोस्तों प्लस करके और इसको यहाँ से कुछ इस प्रकार से लेकर यहाँ पर छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपका जो एनिमेशन है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया होगा, आप देख सकते हैं ये आपका एनिमेशन है वो बनकर तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस शेप पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, उसमें पर चले आना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डार्कन का, इसको यहाँ पर आपको सिंपली से इनेबल करके और यहाँ पर बैक आ जाना है। अब आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट का इफेक्ट है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आपका जो टेक्स्ट का इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा अच्छा और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको विग्नेटा ऑन कर देना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा डार्क सा यहाँ पर कर देना है, जो भी चीज़ यहाँ पर आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको डार्क कर देनी है। और अगर आप इसको डार्क कर देंगे ना तो ये थोड़ी और भी अच्छी यहाँ पर आपकी लगने लग जाएगी, और भी ज़्यादा प्रोफेशनल वाला लुक इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये आपका बन गया, बहुत अच्छी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने तो आपको सिंपली से वैसे यहाँ पर बना के दिखाया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पर अपनी सेकंड ट्रिक की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी सेकंड ट्रिक है दोस्तों वो है यहाँ पर टेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी अपनी वीडियो है उसको यहाँ पर ले आता हूँ, जैसे कि दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वीडियो इस फोटो को दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं स्क्रोलिंग टेक्स्ट है वो लगाना चाहता हूँ, तो दोस्तों पहले तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है वो लिख लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इस टेक्स्ट को लिख लिया है। अब लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन दिखेगा, इसको यहाँ पर आपको सिंपली से इनेबल कर देना है, और इस पर आप कोई भी सिलेक्ट कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको 100% इसको कर देना है, और फुल विद बैकग्राउंड दोस्तों यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को आपको थोड़ा यहाँ पर लंबा कर देना है, और इसको दोस्तों यहाँ पर आपको एंड में यहाँ पर इसको आके रख देना है। और रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको की फ्रेम का ऑप्शन दिख जाएगा चाबी वाला, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर आपको की फ्रेम है वो यहाँ पर आपको प्लस कर देनी है, और इसको यहाँ पर आपको पीछे की तरफ लेकर चले जाना है। और जब आप इसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो दोस्तों आपका जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एनिमेशन आपका दिखा देता हूँ कि कैसे क्रिएट हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से दोस्तों आपका जो एनिमेशन है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली से जो लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर होता है वो यहाँ पर आप काइन मास्टर के अंदर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम अपनी ट्रिक नंबर थर्ड की ओर। दोस्तों जो हमारी ट्रिक नंबर थर्ड है दोस्तों उसके लिए यहाँ पर आपको सिंपली से जो भी आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आप करते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करनी है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, और दोस्तों आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर वॉच कर सकते हैं। और उसके अंदर मैंने यहाँ पर बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट ही ऐड किया है क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक PNG ऐड कर लेनी है जो कि मोबाइल की PNG है, और ये दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से गूगल पर आपको आसानी से मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो। दोस्तों यहाँ पर मैंने iPhone वाली PNG ली है, और दोस्तों मैं यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पर पैन एंड जूम करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है,
इसको ये भी यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको क्रॉप कर लेना है, और इसके मुताबिक दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको रख लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर लगने लग जाएगी। तो अब आप ऐड करनी है जिससे कि आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लग जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अब हम अपनी ट्रिक नंबर फोर्थ की ओर दोस्तों। वो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक इफेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ये दोस्तों आप यहाँ पर कार्डमास्टर के ऐप स्टोर से आराम से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको परस्पेक्टिव वन वाला हो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको इसको क्रॉप है वो कर लेना है, और क्रॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग है वो यहाँ पर चेंज कर लेनी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इससे आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दोस्तों वो यहाँ पर और भी अच्छी लगने लग जाएगी। और दोस्तों इससे आपका जो भी यहाँ पर यूज है वो इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप साइड में इसको यहाँ पर लगाना चाहते हैं दीवार की साइड, तो ये दीवार पर भी दोस्तों यहाँ पर आपकी चिपक जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने ट्रिक नंबर फोर दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रिक नंबर फाइव की ओर। तो दोस्तों ट्रिक नंबर फाइव के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी टेक्स्ट है वो ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट है वो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट है वो ऐड कर लिया है। और दोस्तों अब इसका दोस्तों आपको यहाँ पर फॉन्ट है वो सिलेक्ट करके दे देना है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको जाना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको इन एनिमेशन पर जाकर इसको लेटर बाय लेटर वाला ऑप्शन है वो चूज कर देना है। और लेटर वाला ऑप्शन है दोस्तों चूज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट ऐड करना है। जैसे कि मेरे पास साउंड इफेक्ट है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर साउंड इफेक्ट है वो यूज़ कर लेता हूँ। और दोस्तों मैंने साउंड इफेक्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है। दोस्तों अगर आपको भी साउंड इफेक्ट चाहिए तो आप उस वीडियो को देख लेते हैं, देख लेना। उसका लिंक भी दोस्तों मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली से जो टाइपराइटर वाली आवाज़ है दोस्तों वो उसको यहाँ पर रख लेता हूँ, और बाकी सभी को मैं दोस्तों यहाँ पर सिंपली से डिलीट है वो कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंपली से सभी को डिलीट कर दिया, और सिर्फ जो टाइपराइटर वाली साउंड इफेक्ट है उसको यहाँ पर आपको ले आना है। और लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इसको जहाँ पर आपका टेक्स्ट है वहाँ पर आपको इसको लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरा टेक्स्ट है मैंने वहाँ पर इसको लगा दिया है। और दोस्तों अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ कि इसकी आवाज़ है वो कैसी आ रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने यहाँ पर पांच की पांच ट्रिक दोस्तों आपको बता दी है। दोस्तों अगर आपको ये पांच की पांच ट्रिक अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट भी आप करके जाना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहती है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक न्यू ब्रांड न्यू वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।